जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दा समा असी प्राप्त कीता है। गुरु हजूरी नूं माणदे आं प्रभात समय दे ना पावन दीवाना विच आसा की वार दा कीर्तन होया। अरदास दी शमूलियत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन ज्ञानी जी ने अजे हुणे सानू सरवण करवाया है। आप जी ने इन्हां पावन बचनां दा पाठ सरवण कर लिया है। हुण समा है इन्हां ही गुरवाकां दी असीं तकरीर करिए विचार करिए। सुआओ रस्मी तौर ते विचार प्रारंभ करदे हाँ। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इह पावन बचन राग तनहासरी विचों है। समुचा सिरनावा तनासरी छंत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद यह बनता है। तनासरी राग विच छंत स्वरूप बंतर है। पावे शब्द जिस बंतर विच है ये पुराना पंजाबी फोक का लोक काफी का रूप आ। मोस्टली छंतां दे पदे चार होंदे ने पर एक्सैप्शनल एग्जाम्पल्स भी हैगियां ने। जिवें ये जो शब्द है ये पंज पदे ने। इस तरह कह लो कि ये समुचा पेज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो है वो सारे का सारा पेज ही पूरा इस शब्द के रूप में आता है। लमेरा शब्द है। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह नानक जोत दे चौथे जानशीन इस बचन उचार रहे ने। घर पहला गायन करने वास्ते हिदायत आ कि जदों भी इस पावन बचन नूं तनासरी विच गाया जाए तां रिदम लई थाप वास्ते जो तालां हुंदियां ने उहदे लई पहले घर नूं प्रयोग विच रखना है। अगे इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप जो कि वार वार गुरु ग्रंथ साहिब दोहराया जाता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक ओंकार वाहिगुरु वो परिपूर्ण जिसनों रब अल्लाह भगवान पार ब्रह्म जो असी संज्ञा दे सकीए। महाराज कहिंदे ओ एक है वहद एक है तो उस वहद एक दी बाकी तो सारे एडजैक्टिवज ने जिवें असी भगवान किया अल्लाह किया प्रभ किया हर किया। दीज आर ऑल एडजैक्टिवस। जिहड़ा एक शब्द गुरु साहब ने उसके नाउन के रूप दे एक नाम एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है वह हैगा ओंकार। ये मायने बनते ने अविथ एक रस लगातारता नाल व्यापन वाला मुराद जो ओमनी प्रेजेंट है निर्गुण स्वरूप हो के सब सरगुण नूं हुलारा दे रहा है। सब आप खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मानुख दिसता अनदिसता सब उहदे विचों आया है उहदे विच आएगा वह ओंकार है। जो सारे दे विच चल रहा हुक्म दे रूप विच आप एक ही है। सो ये डिस्क्रिप्शन आ उस करतारी हस्ती की जिसनों अज की दुनिया विच एग्जिस्टेंस कहा जाता है जिहदी होंद आ। अगे महाराज ने लफ्ज़ लिखे ने सतगुर प्रसाद एहो जे ओंकार नूं क्योंकि असीं रूप तो उहदा ही हाँ उहदे विचों आए हाँ उहदे विच ही अमावांगे। ओंकार इट सैल्फ इज सेइंग अस बट हाउ कैन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड इट हाउ कैन वी बी अवेयर दैट वी आर द पार्ट ऑफ ओंकार एंड ओंकार इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अस एंड इन आवर सराउंडिंग्स। फॉर दैट वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम सतगुरु एंड सतगुरु कैन मेक अस टू अंडरस्टैंड इट विद हिज ब्लैसिंग्स विद हिज ग्रेस प्रसाद। सो सतगुरु दे प्रसाद राही असी इस लैवल ते आउने जिथे सानू असी चेतन होने साडी कॉन्शियस इस लैवल ते कम कर दीए कि मैं तुसी दूसरा तीसरा पंजवां दसवां कुछ भी जिहड़ा है ये कोई वक्खरे नहीं एक परिवार का हिस्सा है।
एक बींग चो ही साड़ी सारे दी बींग आ, तो उस एक बींग नाल ही जुड़ के असी असल विच उस परिपूर्ण दे इस परिवार को माण सकते हैं। सो ये सतगुर प्रसाद के जरिए सानू समझ आउंदी। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है, जिवें मैं पहला बेनती की है कि बड़ा लमेरा शब्द है, जिवें समा अलाउ करेगा विल ट्राई टू अंडरसटैंड एज मच एज वी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट। बाबा जी ने बयान किया है कि बिल्कुल पहले पदे की पहली सत्र आ, हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई है जियो, सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाई है जियो। हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई है जियो। इस तरह है कि जे बाणी नूं पढ़दे आ, बाणी कहिंदी है बोलत बोलत बढ़ै विकारा, बिन बोले क्या करै बिचारा। हैगे तो लफज ही ने, अल्फाज ही ने, हरफ ने, असी बेतहाशा बहुत ज़्यादा कहिए बोलीए, बेवजह बोलीए तो एनर्जी वेस्ट करने के बराबर है। पर यह भी सच है कि बोल बाणी तो बिना फिर जीवन ना तो कुछ असी किसी नूं दस सकते हैं, ना किसी तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो बोलना तो पएगा। इस करके हैगे तो लफज ही ने, अल्फाज ही ने, हरफ ने, अखर ने, पर उन्हां अखरां दे विच जिहड़ा भाव पिया आ उही सानू अमूड़ भी बना सकता है, सानू सियाणे भी बना सकता है, सानू किसी तरीके नाल इनलाइटड भी कर सकता है, साडे अंदर बलदे हुए दीवे नू बेरोशन भी कर सकता है। सो यह रूप महाराज बाणी जदों बयान करदे, हुण जिवें बात कीती हर जियो कृपा करे, हरी जदों कृपा दे घर विच आउंदा है तां नाम त्याई है जियो, तां जाणो असी नाम त्याउण दे काबल हुन्ने आ, असी नाम त्या सकदे हाँ। इसनू होर सरल कर लिया जाए तो लोग इस तरह बयान करते ने कि बंदे दे कोल अकल होवे अपने कोल तो बाहरों भी अकल लै लैंदा है, जे कोल ही अकल नहीं फिर बाहरों कोई अकल देनी भी चाहे तो तुसी उत्तों प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो सपोज करो कोई विजडम दा एक बेस या एक बेसिक लैवल आ, ये मदर नेचर ब्लैस ही करती है, फोर्सफुली तुसी किसी नूं नहीं दे सकते, ये कृपा आ, ये ते बंदे दा जोर कोई नहीं। अज असी जिस दुनिया च रह रहे हैं आप एहसास करोगे जिहड़ा वुहान शहर बड़ा मशहूर होया ड्यू टू द कोविड-19, जिहड़ी उन्हां दी लैब आ, इस लैब ने बड़ा काम किया उस नेशन वास्ते, उन्होंने मतलब वड्डे लैवल ते जेनेटिक्स की स्टडीज कीतियां, बड़े चेंजेस लियांदे, ईवन जनरेशनल चेंजेस आए उन्होंने विच, उन्होंने साइंस नूं अपनी बड़े वड्डे लैवल ते जिहड़ा आ जनरेशनल चेंज वास्ते यूज़ किया, जिहदा असर मुड़ के जदों लैब बनती 80वीं दे विच उस तो बाद वो ईजीली दिसता भी है। उन्होंने एथलैटिक्स नूं तुसी देख लो, एथलीट्स नूं देख लो तुसी, उन्होंने उन्होंने तुसी अगले पढ़ने वाले तालिब्स नूं देख लवो, सारियां नूं स्टूडेंट्स नूं, उन्हां दे विच कंप्लीटली एक डिफरेंट लैवल आना शुरू हो जाता है। वो जितना इंटैलीजेंट लैवल सीगा उसे नूं ही फिर वो जेनेटिकली प्रमोट करी गए लैब दे विच्चों ही, मतलब एक तरह के नाल आने वाली जनरेशनस जिहड़ियां ने वो पैदा कर दे गए सब चीज़ां होंदियां गईयां। पर सब होने के बावजूद भी जे कहा जाए कि बिल्कुल समझ उन्होंने सारी खरीद ली, ऐसा नहीं हैगा, ये कुदरत नवाजदी है। तो जिहड़ी ये विजडम आ, हुण आप इस तरह एहसास करो, मैं कई बार देखदा आ कुदरत दे रवण दा तरीका की हैगा। साडे उस खिते दे विच बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम असीं अक्सर पढ़ लैंदे आ। जे आपां डॉक्टर अंबेडकर नूं देखिए, किस परिवार विच पैदा होया, कहो जिहा उहदा माहौल आ, अपने तो ये भी नहीं कोई जिहड़ा डेढ़ दर्जन दे नेड़े भैण भरावां दे विच्चों, मेरे ख्याल सब तो छोटे तो वड्डा सीगा, इस रूप दे विच कुछ सीगा,
तो मतलब होर भी हैगे ने, पर कुदरत ने उसनों कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी दे दी थी। एबिलिटी सिर्फ उदे इंटलैक्चुअल लैवल ते नहीं है, इंटलैक्चुअल तो बड़े लोग होंगे ने, पर एक विजन भी सी उदे कोल। उस समय दे जिन्हियां मुश्किलां सब दे विच्चों लंघदियां होया, पढ़ना, एजुकेशन नू वैल्यू करना, तो एजुकेशन नू भी कला आप नहीं वैल्यू करना, अपने एटलीस्ट जिहड़ा उहदा आला दुआला है उहदी वैल बीइंग वास्ते एफर्ट पाउणी। सो इह सारे रूप दे च इक बड़ा ह्यूमनटेरियर बिहेवियर है, एक बड़ा मनुखी वर्तारा उहदे अंदर वरतदा आ। तुसीं मनुखी वरतारे दे नाल अगे वधदे हो सारे रूप दे च। इह की है? ये कोई मदर नेचर की नवाजिश आ। मैं एक बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा वहां, पर इस रूप में देखा जाए तो सानू सारिया ही वो नवाज सकता, नवाजदा, तो जे नहीं भी सानू लगता कि सामने अरदास करते, बेनती करते, मालक तू तरस कर। इत्थे ये बचन है गुरु रामदास साहब जी का, हर जियो कृपा करे तो नाम त्याई है जियो, ता जाके नाम त्याउंदा बंदा। गुरु रामदास साहब का अपना जीवन पढ़ने वाला आ। जे आप देखिए कुछ बचपन दे च मिसहैप हो जाए, कुछ चैलेंजेस आ जाए अर्ली एज, जिद च मेरा फॉल्ट ही कोई नहीं, या किसी इंडिविजुअल का फॉल्ट ही कोई नहीं, वो कुदरती तौर पर उन्होंने सरकमस्टांसिस का विक्टम बन जाए, तो ता उम्र मन दे विच उदे प्रति वलवले रहणगे, उदे प्रति वेदन रहेगी, चिंता भी रहेगी, उदे प्रति गुस्सा भी रहेगा। आप गुरु रामदास साहब की सारी बाणी पढ़ लवो, एक भी बचन तुहानू एवें दा नहीं मिलेगा, बल्कि वार वार एहसास होएगा कि हे करतार तू किन्ना बेअंत आ, हे गुरु तू किन्ना बेअंत आ। शब्द पढ़ते हैं, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। ये कहना कि मेरे कोलों ते सब कुछ रब ने खो लिया, मैं ते उस सारे खोण करके बहुत वड्डा विक्टिम हाँ, तो मैनू तो डिजर्व करदा, मैनू सब कुछ मिलना चाहिए ना। क्या मेरे च वाकई च एबिलिटी नहीं सी? पर हे दातार तू किन्ना बेअंत आ। पहले इंसीडेंट का कोई जो बचपन में वापरिया उहदा ना झोरा, ना अफसोस, ना उहदा गिला, ना शिकवा, ना बिल्कुल नहीं, बल्कि जो अगे मिल रहा, जो प्राप्त हो रहा, उहदे प्रति एक शुक्रगुजारी, एक ग्रेटफुलनेस शो की जा रही है। तो दस्या भी जा रहा है कि आपा ते कुछ भी नहीं, आपा ते हम कीरे किरमिया उस रूप दे विच, ते ओ उस कीरम जंत नू तू अपनी नवाजिश दे के किस हायर लैवल ते लै गया है। ये साहब बयान कर दे जिदी सुरत जिस किस्म की बात आ जाए, नाम त्याईए, ये नाम दा त्याउणा आ। नाम बंदे की होंद नू बदल देंदा आ। अदरवाइज मैं इन होर जिस सरल करके ट्राई करा बयान करन दी, तो इस तरह आया कि बंदा अपनी किसी एक आपों थापी मैं नू लभ रहा है। महाराज कहिंदे मेरा तो वजूद ही कुछ नहीं, मिट्टी ने रूप तो वटाया आ, तो जो कुछ वापर रहा हो रहा है मदर नेचर के वड्डे हुक्म विच हो रहा है। मैनू उन्हें कुछ सोझी दिती, तो सोझी के मुताबिक मैनू कुछ चीज़ों की समझ आ रही है आले दुआले, ये भी उहदा तरस है। तो ये जिहड़ा मेरा अपना सही रोल बनता है, जे मैं कर पावां समझा मैं उहदी कृपा नू कुछ संभाल लिया, कुछ पकड़ लिया। गुरु बाबा जी का होर रंग देखो, अभी कई बार कहने कि बाबा जी ने हौ मैं दे खिलाफ बड़ी गल की है, बिल्कुल इस उस मैं दे खिलाफ गल की है जिहड़ी मैं सानू उस परम मैं नालों तोड़दी है जिहड़ा असल नाम रूप आ। अदरवाइज गुरु नानक साहब का शब्द ही पढ़ो, जपजी साहब बचा जाओ सरल। महाराज बयान कर दे कि ये अकाल पुरख वाहेगुरु, गुरा एक देह बुझाई, हे गुरु मैनू ना आ एक बुझारत ते सच्ची बुझा दे, मैनू एक चीज बिल्कुल समझा दे पक्की, मैं तेरे तो यह मंग करदा। गुरा इनू गुरा नहीं पढ़ना, जो गुरा पढ़िया नेजल साउंड च लै गए तो बिल्कुल मीनिंग जिहड़े ने ओपोजिट हो जाणगे। गुरा एड्रेस किया गया गुरु नू, गुरा एक देह बुझाई की
सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। जिहड़ा सारिआं दा ओह दहिंद है ना दाता, ओह मैं मुझनू मेरी मैं नू विसर ना जाए। ये असल मैं है साडी, मैं उहदे नाल अपने आप नू एसोसीएट करां, मेरी मैं उस परम मैं नाल जुड़े जाके। ये रूप है, ये नाम दा ध्याउणा आ। इत्थे जाके बंदे दी होंद जिहड़ी है वह गुणा वाली हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये मैं तो उस दयावान विचों आई है, ये मैं तो उस धीरज वाले विचों आई है, ये मैं तो सब नू स्नेह करने वाले विचों आई है, ये मैं तो सब तो सियाने विचों आई है। तो फिर मैं नफरत च किवें जी सकदा, फिर मैं कूड़ विच किवें जी सकदा, फिर मैं इंपेशेंट होके काला पै के किवें जी सकदा हाँ। इत्थे फिर असल बंदे की डिवेलपमेंट होनी शुरू होती है। यह है नाम त्याई है जीओ। फिर साडा ध्यान, फिर साडी सोच, साडी सुरत किसे एक वधिया लैवल ते चली जांदी है। अगला बचन, सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाई है जीओ। सतगुर मिले सुभाए, सुभाए का एक तो मतलब होंगे नैचुरल वे दे नाल, एक होंगे जिन्हों असीं कहिंदे कि सुभा बना लेना। तो एक्चुअली सुभावक कुछ चीज़ा साढ़े अंदर आ जाणियां, जिवें मॉडर्न साइकोलॉजी च अक्सर सी जो पढ़ते हैं तो गल करते हैं, वो ह्यूमन टेंडेंसीज दियाँ जिहड़ियां मनुखी विहार दियाँ चार कंडीशनस बयान करते हैं, फोर लेयरस। पहली लेयर जिहड़ी है वो बिल्कुल कह लो कि अपोल बिरति हुंदी है, जिन्हों असीं कहिंदे आ कि बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस इनकंपैटिबल आ, उन्हूं पता भी नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हाँ, इनकंपैटिबल। उन्हूं पता भी नहीं मैं गलत राह ते तुर रहा, अनकॉन्शियस, बिल्कुल कॉन्शियस ही नहीं हैगा उहदे बारे। ये बिल्कुल पहली स्टेज है। जिवें बच्चे नूं मोस्टली गलती करन तो असी हालांकि झिड़कना चाहते हाँ, झिड़कते भी हाँ, पर उत्थे झिड़कना भी समझाने वास्ते होंदा, पनिश करने वास्ते नहीं होंदा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें एहसास ही नहीं उन्हें की करता है। छोटा जा बच्चा साल दो साल का खेडता होया, सपोज करो कोई बहुत महंगी चीज़ आ, उसनों टेबल तो धक्का दे के या इस तरीके जरा पुश करके थले सट दिता, तोड़ देता आ, आप कहे अपन पता है भूल आ, अनकॉन्शियस इनकंपैटिबल। ये पहली स्टेज है। बंदा हाँ उम्र का पड़ा हुंदा या समा हुंदा या उहदे चों एक्सैप्टेबल है, जिवें जिवें वक्त बतीत हुंदा, जिवें जिवें फिर बंदे नूं ये चीज़ असी तवक्को करदे आ, एवें नहीं होना चाहिए। इस फिर सैकेंड स्टेज जिहड़ी है वह हैगी है कि बंदा जदों हुण अनकॉन्शियस पर हाँ वह इनकंपैटिबल नहीं गा, हुण कंपैटिबल आ। पर यह जिहड़ी कह लो कि यह अवस्था आ जदों उसनू माफ़ी चाहांगा, हुण उहनू कॉन्शियस अनकंपैटिबल, हुण उहनू पता भी मैं गलती कर रहा, पर गलती करदे होए उहनू अहसास आ कि हाँ मैं गलत कर रहा, मैं ठीक नहीं कर रहा, हुण अहसास आना शुरू हो गया है। इत्थे सुधार की उम्मीद वध जांदी है। पहले च अनकॉन्शियस इनकंपैटिबल है, उन्हें पता ही नहीं मैं गलती कर रहा, दूजे च कॉन्शियस इनकंपैटिबल है गलती कर रहा पर हुण पता लग रहा, तीसरी असी समझांगे भी वह कॉन्शियस कंपैटिबल आ, मतलब जागृति है तो गलती भी नहीं कर रहा, जागृत होके, पर कहिंदे आइडियल नहीं गए। आखिरकार किन्नी कु देर तक तुसीं इसनू साइमन फ्रायड कहिंदा कि सुपर ईगो सानू चला रही है, सानू आले दुआले का प्रभाव चला रहा है। बंदा बाहरों बदल गया, अंदरों नहीं बदलिया, सुभा नहीं बदलिया, बस ये है कि वेखा देखी सोसाइटी कानून ये सब चीज़ों का, तो यदा पता भी लगता है। जिवें असी जिस सोसाइटी नू बड़ी असी तारीफ करते हैं कि बड़ी ये मैनरफुल सोसाइटी हैगी है, लोग दरवाजा खोल के खड़ जाते हैं, लोग हर चीज़ के उत्ते थैंक यू कहते हैं, हर चीज़ वास्ते सॉरी कर देंगे ने, एक दूजे को जिहड़ा हैगा मतलब राइट वे दे देंगे ने भी चलो गो हैड, इस तरीके लाइनअप्स करके खड़े होंगे ने सब, सोसाइटी इस किस्म की है।
पर जदों कितें कोई माहौल बदलता है, जिवें कुछ साल पहला इत्थे वैनकूवर दे विच आइस हॉकी की गेम दे विच वो टीम लूज कर गई तो कैसे राइट्स होए, लोग बड़े हैरान होए कि है भाई एक सोसाइटी जो दिसती है ना सारे की सारी एक कॉन्शियस कंपैटिबल है। इतना ही कंपैटिबल है क्योंकि ये अवेयर है भी हाँ यदा प्रभाव गलत पेगा जे मैं यहो जहा ना किया तो हो सकता है भी नो डाउट पुलिस वाला कोई नहीं है स्टॉप साइन तो मैंने स्टॉप साइन तो रुकना चाहिए पर समहाओ जे कि मेरी आदत विगड़ गई तो जे कि कल कितने पुलिस वाला खड़ा होया तो टिकट मिल जाएगी। उत्थे रूल ओबेइंग जिहड़ी है वो किसी हायर लैवल दे थॉट विचों नहीं आ रही, एक डर विचों आ रही है, एक कॉन्शियस कंपैटिबिलिटी है, ये आइडियल नहीं गा। फिर देखना ध्यान फोर लेयर्स की गल की गई, अनकॉन्शियस इनकंपैटिबल, फिर होया कॉन्शियस इनकंपैटिबल, फिर आया कॉन्शियस कंपैटिबल। वो कहते आइडियल नहीं, आइडियल है अनकॉन्शियस कंपैटिबल, सुते सिद्ध अचेत उदों भी प्रवृत्ति ये होए ना पुठे पासे नहीं जाना, गुण कमाने ने चंग्याई कमानी है। इसनु साहब ने कहा सतगुर मिले सुभाए, ये उदों हुंदा जदों साडी सुरत सतगुरु दे जाके मर्ज कर जांदी है। सुभाव दूजे नूं रवाउणा तंग करना उहदी नैगिंग विच्चों रस लैणा ते इह सुभाव साडे विच वी रहिंदा आ। मोस्टली घरां थावां दे विच इक्को छत हेठ रहण वाले लोग एक दूजे नूं इरीटेट करके बहुत खुश हुंदे ने, इहदे बाबत बड़ा लिटरेचर लिखिआ पिआ साडे कोल। उहदा कारण की है, क्योंकि खुशी किसी की दिल खराशी विच आ, सहज सुभाए ही इन्हां औगुणां नूं माण के खुश होना, पर यह भी सच्चाई है सहज सुभाए ही गुणा नूं माण के खुश होना, यह भी बिरती आ सकती बंदे च जिथे मिंदी कीती अनकॉन्शियस इनकम अनकॉन्शियस कंपैटिबल बंदा बन सकता। वह चाह के भी सुभा ही बन गया कि गुण ही करना है जो मर्जी हो जाए। जिन्हों साहब ने बयान किया ना कि जिहड़ा हरीदा जानिया वो जे कोई निंद करै हर जन की अपना गुण ना गवावै, हर जन राम नाम गुण गावै, वो राम दे नाम दे गुण गाउंदा, उहदी कोई बरखलाफत विच भी जाए वो तां वी उहदे भले वास्ते भी अग्रसर हुंदा उस रूप दे विच। इह है सहज गुण गाई है जीओ, गुण गाए विगसै सदा अनदिन जां आप साचे पावे, गुण गाए विगसै, विगसै विगास नूं कहिआ खेड़े नूं खुशी नूं। जिस जिन्हां समाजां दे विच बनावटी खुशी लभण वास्ते बंदा भज रहा होए, आप देखोगे अज का दौर यूट्यूब का दौर है, मतलब एक ऐसा पब्लिक डोमेन बना दिती गई, ऑलमोस्ट 95% लोग जिहड़े ने उन्हों ही इनफॉर्मेशन के तौर पर यूज कर रहे, उन्हों ही वेख रहे, तो इंटरटेनमेंट वास्ते भी वह सब तो वड्डा सोर्स मन लिया गया। उहदे वास्ते भी रीसेंटली मैं कुछ जिहड़े सोशल इंजीनियर्स होंदे ने उन्हां नूं देख रहा सीगा, वो इन सारे ताने पेटे दे बारे बात कर रहे सीगे, ते वो कह रहे कि सब तो वध जिहड़ियां चीज़ां उत्थे वेखियां जा रही ने वो इनफॉर्मेटिव नहीं हैगियां, वो कॉमेडी रिलेटिड ने, जिहदे च कोई इहो जिहा मिसहैप हो गया कुछ आले दुआले, जिहदे च कुछ बंदे नूं एक तरह दे नाल एकदम किसी चीज़ नूं वेख के उहनूं एक तरह दे गिगल होने शुरू हो जाण, उहनूं गुदगुदी होनी शुरू, खुश हो जाए, इहो जिहियां चीज़ां दे मगर लोग बहुत भज रहे। इत्थों ही पता लगता है कि कई बार ये सब नूं देख के सोसाइटी का लैवल लगता है कहिंदे लोअर हो गया, जिन्हां चीज़ों बंदा खुशी लभ रहा है वह चीज़ा आम हालत में देखा जाए। सपोज किसी सर्टन वे नाल कोई बंदा सड़क पर जाता जाता डिग गया, ये देखने की बजाय कि उन्हें चोट लग गई होएगी की होया होएगा, बंदा ये देख रहा भी ये डिगण का तरीका देखो की हैगा, हस रहा उत्ते। वो कहिंदे कोई बहुत हायर लैवल की गल नहीं है, पर यह खुशी देती है, विगास ये आ रहा, तो यह विगास नहीं गा, यह विगाड़ है। बाबा जी कहिंदे विगास हुंदा कि गुणात्मक परिपेख दे बंदे नूं जिहड़ा कि उसरदिआं होइआं देखणा, बचन आ रहा है गुण गाए विगसै सदा अनदिन जां आप साचे भावे, पर यह आप साचे भावे जे उहनूं चंगा लग जाए भा जाए। मौलिक रूप च बात जिथों शुरू कीती सी जिहड़ी विजडम आ समझ आ सोझी है इहदे घर की अपनी दात है, इह नवाजे बख्शे ते तां मिले, जो आप भावे जे उहनूं चंगा लग जाए तो वह हो सकता है वह चिणग दे दे उस रूप के अंदर।
कुदरती तौर पर। इतने मेरे नौन ने मित्र कह लो ते बड़ी मेहनत की, फैक्ट्रिया च काम किया, बच्चे पढ़ाए जिमें आम एज यूजल जिमें फस्ट जनरेशन करती है, तो हूँ सैकेंड जनरेशन जी अपने तरीके अगे बढ़ रही है। तो कई बार लगता फस्ट जनरेशन को कि जिन्ना सानू इमोशनली अटैचमेंट होनी चाहिए उन्नी है नहीं, कि शिकायत रही है हमेशा, तो वह एक जनरेशनल गैप भी है। आप डिटेल से बात जरूर कर सकते हैं, हालांकि इसनों दूर करने वास्ते भी बहुत बात बहुत सारिया गल् हो रही ने, पर है उस तरीके। खैर जी बेनती कर लगा सीगा, तो बच्चा मैडिकल स्कूल चला गया, तो हूँ जो स्कूल चला गया तो कई बार कहना पेरेंट्स ने किसी चीज़ बारे, तो उन्हें आर्गूमेंट करना, तो आर्गूमेंट करद एक लैवल ऐसा आ गया कि वो थोड़ा खिजन लग गया, ज़्यादा खिजिया होया, मतलब ओहो जिहा काम करना जिहदे नाल भी इरीटेट होणो, इहो जिहे सुभाअ दे विचो चला गया। तो कहिंदे इह चीज़ असी नोटिस कर ली की होया कि जिहड़े उहदे ग्रैंड पेरेंट सी, खास करके दादा जी, वह थोड़े सिक हो गए। जो सिक होए तो क्योंकि खुद मैडिकल प्रोफेसनल सीगा, वो आप बार सीगा आया, आपके हेल्प की थोड़ी, तो वापस करे लैके आया, करे लैके आया, तो उन्होंने आप बैड पर जाके लटा रहा, सब चीज़ा कर रहा। तो फिर उन्होंने कहता कि दादा जी गल हैगी है कि हालांकि मैं थोड़े कभी आखे नहीं लगा, मैं सब तुम सच दस दें, एक तरह ना जिम्मे बंदा कन्फेशन कर रहा हूँ, मैं कभी आखे नहीं लगा थोड़े, तो बल्कि जो तुम कहो तो उल्ट करने की ट्राई की मैं, ठीक है ना, तुहानू गुस्सा भी होगा मेरे ते, कोई शक नहीं है, पर मैं तुहानू हुण दसन लगा कि तुहाडी सेहत बहुत ही ठीक नहीं हैगी, तो इस करके तुसी बिल्कुल भी वो जिहड़ी मेरे प्रति तुहाडे अंदर हेटड हैगी या एंगर हैगा उसनू एक साइड ते रख दिया जे, तो हुण मैनू तुहानू मेरी हैल्प की लोड़ पैनी है, तो चिंता ना करो, मैं इत्थे नाल ही तुहाडे इत्थे कमरे च पिया, जिस कहिंदे तुहाडे नाल सो जाना, ना तुसी कल्लिआं ने वाशरूम जाना है, ना तुसी कल्लिआं ने जिहड़ा हैगा नहाना खाना कुछ नहीं, मैनू आवाज़ देनी, मैं तुहाडी हैल्प करांगा। तो बिल्कुल भी संग करन दी लोड़ नहीं हैगी तुहानू, भी सपोज तुसी टॉयलेट यूज़ करनी, तुसी वाशरूम यूज़ करना, तुहानू होएगा नो, आ मैनू कोई उस किस्म नाल हैजीटेशन नहीं हैगी कि मैं तुहाडी किस तरीके दे नाल उस वाशरूम च हैल्प करांगा, आई एम टोटली एक्चुअली रेडी फॉर दैट। वो कहिंदे भी जदों मैं सारी गल सुनी, मैं मतलब बाहर डोर तो खड़ा, मैं तो उत्थे है नहींगा, आई वॉज टोटली सरप्राइज भी कमाल हो गई आ चीज, हाँ जी ये कुदरत पाउंदी है। वो कहते आम हालत च मैं एक्सपैक्ट भी नहीं कर सकता भी इस तरीके की टॉक ये करेगा मेरे नाल आके, या मेरे मेरे फादर ना करेगा, ये दात आ, ये सिखा के नहीं आती, सिखा के आँदी कहते बड़ा जोर लाया, कोई थोड़ा जोर लाया सिखाने वास्ते, से या जे कि बंदा कहे भी कि तू कोई किताब पढ़ के किसी रूप के फिर बहुत पहला आ जाते, ये कुदरत है जी। इत्थे साहब बयान कर दे कि जां आप साचे भावे, जदों नूं कोई चीज़ भा जाए चंगी लग जाए, हालांकि तुसीं होर इस तरीके नाल देखो, बाणी कुदरत नाल आत्म सात होने वास्ते बहुत प्रेरदी है सानू, आपने देखा होएगा। हुण ते खैर असी जिवें मैं जेनेटिक्स की गल की चाइना बारे, तो चलो GMO दा तो सानू सारे नूं पता, जेनेटिकली मोडिफाइड जिहड़े बी वगैरह होंदे ने, सारे फसलां पैदा हो रही सारियां साढ़े इत्थे, जिन्ना कनोला ऑयल जिहड़ा आ जिहनूं सरों की किस्म कह लो, आम जबान च तोरिया कह दिंदे पंजाबी भाषा दे विच, एक्चुअली मोडिफाइड जिहड़ी हैगी है ये मस्टर्ड सीड्स हैगे ने, उन्हां दे विचों कुड़त्तन भी कढ दित्ती, उन्हां दे विचों महक भी कढ दित्ती, जिहड़ी चीज़ करके कनोला ऑयल कल नूं दिक्कत दे सकदा सी उहनूं दुबारा जिहड़ा हैगा क्लीयर करना पै सकदा सी, उसनूं उहदी फाइनल प्रोडक्शन वास्ते उहनूं बीज चों ही कढता, उहनां नूं छड्डो परां, बिल्कुल रेडी टू यूज बीज विचों ही आए। तो ये
कुदरत दे नाल रूपां दे नाल प्ले करके इहदा इहदे साइड इफेक्ट्स भी हैगे ने, तुसीं कर सकदे हो सब कुछ, पर इहदा लोंग रन जिहड़ा साइड इफेक्ट है वह भी साडे सामने नज़र ही पै रहा। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा, आम हालतां दे विच जे तुसीं कोई सपोज करो फल वाला बूटा लाओ ते फल वाला बूटा लगा दिता ते जे किसी की माली गिरी, किसी की बोटैनिक इनफॉर्मेशन या वो जी हैगी गार्डनिंग एक्सपर्टीज दसदियां ने कि इसनों दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद फल लग जाएगा, तो कई बार नहीं लगता, छे साल भी लग जाते, सत साल, कई बार दस साल बाद जाके लगना। हुण इह की है, ये माली दे वस की खेड नहीं है। असी सूफिया दे रंग पढ़ते ना अक्सर कि माली दा कम पानी पाउणा पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा लावे जां ना लावे। इत्थे बचना है जां आप साचे पावे। जदों कितिओ रुत आई, समा आया, एक वारी नंघिया, दो वारी नंघिया, तीजी वारी, चौथी वारी कोई ऐसा समा बणिया, उहनूं बूर पैणा शुरू हो गया, उहनूं फल पैणे शुरू हो गए। ये आप साचे पावे। अगला बचन है अहंकार हो मैं तजय माया सहज नाम समावे। नाम दे सहजे साडी सुरत च समाउण विच रोक की है? महाराज कहिंदे अहंकार हो मैं तजय माया। नाम साडी मैं है, असल मैं जिहदी पहलां बात कीती सी, उस मैं नूं कोई होर मैं जिहड़ी है ऑक्यूपाई करके बैठी। अहंकार हो मैं छोटियां छोटियां मतलब अंदर जिहड़ियां गंढां बजियां ने वो खुलदियां नहीं गईयां। मैं आ गल क्यों सुना, मैं आ गल क्यों करा, मैं अपने तौर पर बतेरा सियाणा हैगा आ, मेरी तो गल नहीं मनदा, मैं किसी की गल क्यों मनना, बहुत है। एक इन्नी कु चीज़ जिहड़ी है ये बंदे नूं किसी तरह की रिलेशनशिप दे विच सुख की बजाए दुख के चरम ते पहुँचा देगी। ये सच्चे है, जिवें ना हनेरा नहीं हुंदा, हनेरे का कोई वजूद नहीं गा, हनेरे दी तुसी पंड नहीं बन सकते, हनेरे नूं तुसी किसे झाड़ू नाल किसे वैक्यूम नाल खिंच नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ हनेरा इतनी तगड़ी चीज़ आ कि कोई उहदे सामने तुहाडी सारी बेबसी हो जाती है, पर उही हनेरा बेबस हो जाता है किहदे सामने, रोशनी दे। एक छोटी जी एक सलाई दिया सलाई जलाउण दी लोड़ है बस, ये नुकता ही है बस, एक समझ का नुकता आ जिन्हों सूफिया के जो रंग च लियाव तो कहते एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। एक अलफ जिन्हों साहब ने इस तरह बयान किया कि जड़ा आ एक उस नाम की सौगात का रंग ही साढ़े अंदर आ जाए तो वो नाल ही साडा छुटकारा है। अदरवाइज बाकी सब तो हौमें चखना चा हौमें की झाखी है सारी। बचन आया अहंकार हो मैं तजय माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। इत्थे उस आपे असल आपे दे सामने अरदास है, जो तू आप दें तां ते मिले तां ते प्राप्त होए। इनू होर सरल कर लिया जाए ना तो ये गुरु रामदास साहब बचन कह रहे ने एक अपने आपे नाल रिलेशनशिप आ, तो अपने आपे नाल मतलब शरीर की कल्ले की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही अपने अंदर दे स्कूल ऑफ थॉट की, अपने अंदर चलनिया रावां विचारां ख्यालां की, उन्हां दुनिया नूं किसी तरीके दे नाल समझ सकना सहेज सकना, फिर अपने असल अंदर नूं समझदिया होया अपने आपे नूं चीनना। इस तरह भी जाणीए कि एक बच्चा पहली दूजी जमात इस जा रहा है तो उसके सामने तुसी एक मास्टर्स लैवल की कोई बुक रख देंदे हो तो बेचारा देखता जो हिसाब दे 2+2 पढ़ रहा है तो देखता आ कि वाओ एक्स वाई ए बी 2 and AB का 2 ये सारा कुछ की मैथ या इट्स नॉट मैथ, ये तो कुछ हो रही है, कुछ और नहीं हैगा, मैथ ही है, पर ये लेवल डिफरेंट ने। ये गल है धार्मिक ही है सारे दी सारे, पर क्योंकि अजे साड़ी पकड़ ही नहीं है, ये तो छोटिया छोटिया चीज़ों जो बाहर नहीं निकल पाया बंदा,
ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਨਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਅਸਲ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।